Hi friends, welcome back to my channel. We have started with the vector और आज हम लोग numerical start करेंगे, लेकिन numerical start करने से पहले एक और formula बना देता हूँ जो बहुत काम आता है vectors में, और वो कुछ इस तरीके का है. If there are two vector P and Q and both have same magnitude, let's say P and Q both have magnitude same, and I want to find resultant R. तो resultant का formula जो हम लोग ने बनाया था, that is root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Now, P और Q अगर same है, so I can write this as P square plus 2P into P into cos theta. तो यहाँ पे भी बनेगा P square. This become 2P square plus 2P square cos theta. Take 2P square constant, or I will write root of 2P square 1 plus cos theta. अब बहुत important बात है, ये 1 plus cos theta का एक formula है जो हम लोग trigonometry से लेते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 plus cos theta. तो थीटा को लिखा मैंने एंगल. ये 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर. आधा करना है आपको. व्हाट इज आधा मतलब? तो जो भी एंगल होगा उसको हाफ कर दो. यहां पे अगर मैंने बोला 2 थीटा है तो एंगल हाफ कर देंगे तो थीटा बन जाएगा. अगर यहाँ पे थीटा है तो एंगल हाफ करेंगे तो थीटा बाई 2 बनेगा. तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, सो आई विल राइट रूट ऑफ 2 पी स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. अब 2 स्क्वायर बिकम 4, 4 रूट के बाहर आ गया तो इट बिकम 2 पी स्क्वायर, बाहर आया p, और ये बनेगा कॉस थीटा बाई 2. ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो हम याद रखेंगे, बट ये फॉर्मूला वैलिड कभी है तो इंपॉर्टेंट है कि बोथ द वेक्टर्स शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड, देन रिजल्टेंट इज ऑलवेज 2p cos थीटा बाई 2. अच्छा, व्हाट इज थीटा? वापस बोलता हूँ, थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर. तो ये दो वेक्टर इंक्लाइन तो है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये फॉर्मूला यूज करिए. तो जब भी न्यूमेरिकल में हम लोग दिखेगा दो वेक्टर इक्वल है, विल यूज दिस फॉर्मूला. तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड.